और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां से अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है। आज दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी को इसी मामले पर सजा सुनाई जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अवधेश राय केस में दोषी करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को। यहाँ से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब 2 बजे का वो वक्त होगा जब सजा सुनाई जाएगी मुख्तार अंसारी को, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां अवधेश राय हत्याकांड जिसमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें यहां से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोषी करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा बहुत ज्यादा भयानक था, इसका अंदाजा उन्हें पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो हालात को देखकर वो डर गए थे, फिर भी उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। तो तस्वीरें भयावह सामने आई थी, जो लोग वहां मौजूद थे, स्थानीय लोग जो चश्मदीद, वो ये बता रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें लगा ये कोई मामूली हादसा है, 2-3 बोगियां शायद पलटी होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े मंजर और भी भयावह होता गया। गिड़गिड़ा रहते हैं कि भैया बचा लो, कोई पानी दो, ये दो, लगभग बहुत सारा बहुत कुछ चिल्ला रहे थे। लगभग लोग का पैर गोड़ क्या ही नहीं पड़ा है भैया, तो ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, हमारा कहने का मतलब है कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है। पहले मुझे मतलब हम लोग लगा कि सिर्फ 2 या 3 बोगी होगा जो कि मतलब पटरी से निकला उतरा हुआ है, तो लेकिन वो मंजर कुछ खराब ही था। तो जैसे ही हम लोग को सिर्फ 2 बोगी सामने में एसी वाला बोगी मिला कंपार्टमेंट, तो हम लोग वहाँ से जितना रेस्क्यू कर सकते थे रेस्क्यू किए। उसके बाद में जैसे ही हम लोग फिर आगे बढ़े तो आगे का मंजर मतलब बहुत ही खराब था, और फिर हम लोग वहाँ तक